फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स आज की ये वीडियो वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी ESIC मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी अपडेट है ESIC की तरफ से। जो अभी तक ESIC ने नहीं किया वो अब कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि ESIC में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है आपकी जो डिटेल है वो अपडेट करवाने में। अगर आपको आपका नाम करेक्ट करवाना है, फादर नेम ठीक करवाना है, डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी है, नॉमिनी डिटेल अगर आपको अपडेट करना है, फैमिली डिटेल अपडेट करना है, एड्रेस चेंज करना है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है और एम्प्लॉयर आपकी डिटेल अपडेट करता है। उसके बाद जो आपकी डिटेल है वो ESIC से अप्रूव होती है, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी कंपनीज इसको डिले कर देती हैं। लेकिन अभी ESIC ने आपकी जो ये समस्या है इसका समाधान कर दिया है और काफ़ी बड़ा अपडेट लेके आए हैं। इस अपडेट के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो ESIC होम पेज है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं www.esic.gov.in क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज पर ओपन होने के बाद जहाँ से आपको ये अपडेट देखना है, जो नया अपडेट आया है ESIC से, जिसका सभी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको बेनिफिट मिलेगा 101%, वो अपडेट देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो IP पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपना ESIC नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉग इन करना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड कैसे बनाना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कैसे रीसेट करना है वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो दोनों वीडियोज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज का जो ये बड़ा अपडेट है इसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए मैं एक IP जो है उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने IP नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल दिया और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी ESIC में डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगी और जो जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ से आप अपनी जो डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ आप जो डिटेल्स है अपनी वो देख सकते हैं, अपना इंश्योरेंस कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो डिस्पेंसरी है उसको चेंज कर सकते थे। बट अब ESIC ने यहाँ पे इतना बड़ा अपडेट कर दिया कि अब आप खुद से अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल खुद से अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है ESIC का कि अब आप खुद से ये सारी जो डिटेल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप IP पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं अपना इंश्योरेंस और पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, देखिए यहाँ पे है अपडेट पार्टिकुलर्स। ये एक नया अपडेट आया है ESIC की तरफ से, जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है आपके IP पोर्टल में वो ये है अपडेट पार्टिकुलर्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका इंश्योरेंस नंबर आपको देखने को मिलेगा, आपका नाम देखने को मिलेगा, नीचे एम्प्लॉयर कोड रहेगा यानी कि जितनी भी कंपनीज में आपने काम किया है उनका यहाँ पे जो कोड है ESIC कोड वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो करंट कंपनी है बाय डिफॉल्ट वो आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हुई मिलेगी। इसके बाद अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, देखिए पर्सनल डिटेल अगर आपको चेंज करनी है तो आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, डिस्पेंसरी अगर चेंज करनी है तो डिस्पेंसरी पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस पे क्लिक करना है, नॉमिनी डिटेल डालनी है तो नॉमिनी पे क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई फैमिली मेंबर ऐड करना है या रिमूव करना है तो फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है, इनकेस अगर आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो गया है या आप यूज नहीं करना चाहते हैं, नया बैंक अकाउंट डालना चाहते हैं, तो आप बैंक डिटेल पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। तो ये काफी बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स कि अब आप खुद से ये सारी चीजें ESIC में कर सकते हैं। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था ESIC में, सारी डिटेल्स जो है वो एम्प्लॉयर एडिट कर सकता था, अपडेट कर सकता था, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डिस्पेंसरी है वो चेंज कर सकते थे। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। अब ये जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल, डिस्पेंसरी डिटेल, एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल, फैमिली डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल, ये आपको कैसे एडिट करना है, कैसे आपको डिटेल्स डालनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो रेफरेंस नंबर है वो कैसे जनरेट होगा, उसको कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, क्या वो एम्प्लॉयर से अप्रूव होगा या फिर ESIC से अप्रूव होगा, ESIC डिस्पेंसरी से अप्रूव होगा या ब्रांच ऑफिस से अप्रूव होगा या फिर ESIC हॉस्पिटल से अप्रूव होगा, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में यही एक अपडेट था कि ये जो डिटेल्स हैं ये आप खुद से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आप ट्राई करिए,
अपनी जो डिटेल्स हैं उसको अपडेट करने का, चेंज करने का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी पर्सनल डिटेल्स में जो आता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, वो कैसे आपको चेंज करना है, क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगेंगे। फिर ऐसे डे बाय डे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, फिर डिस्पेंसरी की, एड्रेस की, नॉमिनी और फैमिली और बैंक डिटेल की। तो इसमें हम पूरा कवर करेंगे कि ये जो नया अपडेट आया है ESIC का, इसको कैसे यूज करना है, इसका जो बेनिफिट है वो कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी इंश्योर्ड पर्सन को ये जानकारी मिल जाए कि अब वो खुद से अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं, चाहे उनको फैमिली डिटेल अपडेट करनी है, चाहे नॉमिनी डिटेल अपडेट करनी है, कोई भी डिटेल अपडेट करनी है वो खुद से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।